गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम पाठ 3 चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। और ये प्रश्न उत्तर मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिए, अब मैं इनको पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई? क्यों चढ़ गई बूढ़ी अम्मा चांद पर? क्योंकि आसमान से छुटकारा पाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई, है ना। क्योंकि चांद ने उसको झाड़ू मारा था और उसने झाड़ू पकड़ ली थी, तो वो उसको चांद आसमान बूढ़ी अम्मा को चांद पर आसमान में ले जा रहा था, तो आसमान से छुटकारा पाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई। प्रश्न दूसरा है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों नहीं छोड़ना चाहती चांद वाली अम्मा झाड़ू? क्योंकि चांद वाली अम्मा के पास केवल एक ही झाड़ू था, इसलिए वह झाड़ू छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रश्न तीसरा है, घर की साफ सफाई के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है या होता है? इस्तेमाल मीन्स प्रयोग, है ना। तो हम आपको पता होगा कि घर की साफ सफाई करने के लिए मम्मी लोग किन किन चीजों का प्रयोग करती है। मैंने यहाँ 2-3 चीजें लिखाई है, अगर आपको और चीजें समझ में आती है तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जैसे कि झाड़ू, पोछा, फिनाइल, पानी आदि चीजों का प्रयोग घर की साफ सफाई में होता है। आपने देखा होगा ना कि मम्मी लोग पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, पानी से साफ करती हैं, फिनाइल लगाते हैं, तो ये सब चीजें घर की साफ सफाई के लिए प्रयोग होता है। अब आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। धन्यवाद।